अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखें। और आज एक नई सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस वक्त दोपहर के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और हमारी सुबह का आगाज़ काफ़ी लेट शुरू हो रहा है। मैं अभी बच्चों को वापस लेके जा रहा हूँ स्कूल से और बच्चों को देखें आते आते नींद आ गई। तो बच्चों उठ जाओ, उठ जाओ, घर आ गया। माओ की तरह माओ भी ऐसे सोती है, वो कहती है मेरी भी आंखें खुली। मम्मा को बोले वो एक नई बाउली है। मुस्तफा भी बैठा हुआ है पीछे, तैयबा बैठी है। एक काम करते हैं, मम्मा को सरप्राइज देते हैं, इंप्रेस मार्केट से हमें बिल्ली ले आते हैं। एक तो है ना हमारे पास माओ, दो चाहिए। दो दो क्या करोगे अभी? उसको एक ऐसे ओ? उसको ना छोटा बच्चा लेके और ऐसे ट्रेन करेंगे कि हमारे पीछे आएगा। तो ये भी तो अच्छा है ना, ये माओ माओ तो अच्छा है बहुत। तो जब कोई नहीं होता बेचारे को भूख लग रही होती है तब वो हमारे पीछे घूम रहा होता है। चलो चलो जब जाएंगे देखेंगे, नहीं, कोई नहीं, अच्छा सा मिल गया तो। और ये देखिए बंगलों के बाहर कितना प्यारे प्यारे फ्लावर और ग्रीनरी है। ये तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को जुम्मा मुबारक। और आज जुम्मा का दिन है और प्यारा सा दिन है जुम्मा का। तो बस अभी हम घर जा रहे हैं, घर से जो है नमाज का वजू करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे जुम्मा नमाज पढ़ने। मुस्तफा भी मेरे साथ होगा। आज शाम को जो है फिर विजिट करना है, कोई थोड़े बहुत घर देखने कि हमें कौन सा घर समझ आता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे घर हैं और एक से एक बढ़ के है खूबसूरत। तो यह है कि लोकेशन भी चेक करनी है और उसका ईस्ट वेस्ट भी चेक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा हमें पसंद आता है, कौन सा नहीं आता। तो अभी वहीं पे ही जाके देखेंगे। रोड के किनारे कितने खूबसूरत से फ्लावर हैं और कितनी प्यारी सी ग्रीनरी। ये देखिए रोड कितना खूबसूरत लग रहा है, रोड के बीच में कितने खूबसूरत से फ्लावर, खजूर के दरख्त और येलो फ्लावर, पिंक फ्लावर, सब फ्लावर ही फ्लावर हैं और कितनी प्यारी सी ग्रीनरी है। जुम्मा नमाज के बाद का ही टाइम रखा है, तकरीबन 4 बजे का टाइम दिया है। तो 4 बजे ही हम जाएँगे और जो भी घर हैं वो विज़िट कराएँगे, 1, 2, 3, 4 जो भी घर हैं। तो उसके बाद हम फिर वापस आएंगे, फिर दिलवर बाबर के घर भी जाना है तो वहाँ पे भी जाएंगे। और वो रहे सामने क्रिकेट फ्लैट और ये रही सामने मस्जिद, तो अभी यहीं पे आएंगे जुम्मा नमाज पढ़ने। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी चलें। आ जाए मुस्तफा, जल्दी करें, जुम्मा का टाइम होने वाला है, तकरीबन 15-20 मिनट रहते हैं। बिल्ली नहीं, बिल्ली एक है। चलो अपना बैग उठाओ, मैं पानी की बोतलें उठा लेता हूँ। क्या हुआ, क्या करना? बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं, एक है ना घर पे, वो है। कोई भी है तो सही ना। जाते जाते मैं पानी की बोतल भी साथ ले गया था, ये भी भरवा के लाया हूँ, तो अभी इनको ऊपर ले जाता हूँ। मेरे बच्चे हो चुके हैं रेडी, ये देखें। तो अभी जा रहे हैं हम बाबा दिलबर के घर, चले थे बस, लेट्स गो। मुझे लगी है प्यास, मैं पानी भी पी लेता हूँ और फ्रिज के अंदर देखता हूँ कि कुछ पड़ा है तो कुछ खा भी लेता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अहले वालों ने दावत दिया था। आपको भी दावत दी है? आपको कब दी है उन्होंने दावत? नहीं, नहीं आप लीजिए, आप घर में रहें, माओ का ख्याल रखें। माओ के साथ चलती हूँ, माओ ने कहा माओ के लिए हमने चिकन बॉयल किया, माओ को फटा करने के लिए। किसने बात की है उनसे? वो मम्मा ने की। पक्का? हाँ पक्का। चलो चलें, ले चलें माओ को। जी तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली और सब मेरा वहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो मैं गाड़ी वहीं लेके जा रहा हूँ और बाइक मैंने बाहर निकाल दी। ये तो हम जैसे गिजरी की गलियों में पहुंचे तो सामने हमें बाबर और दिलबर मिल गए। हेलो गाइस, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ठीक है। कैसा रहा पंजाब का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, सब बेहतरीन। ये तो आके सबसे मिल लिया और अभी हमारी बातें हो गई खत्म, तो अभी वापस जा रहे हैं घर। आज आए, चले, लेट्स गो, लेट्स गो होम। आए ए बेटा, आज चले।